हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। दोस्तों, यदि आप भी पुणे आ रहे हैं जॉब सर्च करने के लिए और आपका बजट काफ़ी कम है और आप सोच रहे हैं फ्री में कहाँ पे हमें रहने के लिए व्यवस्था मिल जाए जिसकी वजह से हम वहाँ पर रहकर कुछ दिन अपने लिए जॉब अच्छी सर्च कर सकें और जॉब पा लें, तो आज की इस वीडियो को कम्प्लीट देखिए। मैं आपको ऐसे कुछ प्लेस बताऊँगा जहाँ पर रुकने के लिए फ्री है। हो सकता है मेंटेनेंस कास्ट वहाँ के हिसाब से पाई का मेंटेनेंस कास्ट कुछ हो, बट यहाँ पर गवर्नमेंट की स्कीम के तहत यहाँ पर रुकने की व्यवस्था है। नगर पालिका के द्वारा व्यवस्था की गई है जो कि रेलवे स्टेशन के नियरेस्ट ही है। तो दोस्तों, यहाँ पर कहाँ पे आना है और क्या प्रोसेस है ये सब कुछ मैं बताऊंगा। तो उससे पहले दोस्तों, मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर करना चाहूँगा। जैसे कि यदि आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और आपकी क्वालिफिकेशन यदि टेक्निकल है तो देखिए, आपको जॉब मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत जल्दी आप जॉब पा लोगे। यदि दोस्तों आप नॉन टेक्निकल हो तब तो हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, बट यहाँ पर सभी लड़कों को, यदि पढ़े लिखे लड़के हैं तो उनको जॉब 100% मिल जाती है। यदि अनपढ़ है तो अनपढ़ भी यहाँ पैसे नहीं भागते, उनको भी मजदूरी मिली जाती है, उनको भी हेल्पर का काम मिल ही जाता है। यदि आपने 10th 12th कुछ कर रखा है तो सैलरी कम मिलती है, बट आपको भी ऑपरेटर लेवल की जॉब मिल जाती है। यदि टेक्निकल में कुछ कर रखा है, अपने IIT डिप्लोमा डिग्री यदि ऐसा कुछ कर रखा है, तो दोस्तों यहाँ पर यदि आप पढ़े लिख कर आते हैं और टेक्निकली खास तौर पे हैं, तो यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काफ़ी है और आपको किसी भी कंपनी में जॉब मिल जाएगी। जैसे कि मैं कुछ कंपनियाँ बता देता हूँ आपको, जैसे कि टाटा मोटर्स में ट्राई कर सकते हैं, महिंद्रा कंपनी फोर व्हीलर है, यहाँ पे महिंद्रा CIE है, बजाज है, बड़ा बजाज जिसको बोलते हैं, वो ऑटोमोबाइल का पार्ट मैनुफैक्चरिंग करती है। और एक कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी बजाज इलेक्ट्रॉनिक, जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट मैनुफैक्चरिंग करती है। बहुत सारी कंपनियाँ हैं यहाँ पे, जॉन डियर है और आपका एक मर्सिडीज़ है, बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे JBM भी है, जय भारत मारुति के पार्ट बनाती है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी कंपनियां मिल जाएंगी जो आपको जॉब, जहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ ऐसी कंपनियां मैंने आपको बताया जहाँ पर जॉब हमेशा चलती रहती है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारी कंपनियां, छोटी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां ऐसी बहुत सारी हैं जहाँ पर जॉब हमेशा चलती ही रहती है। सबको बंदे चाहिए चाहिए, लेकिन अब आपको खुद से पता लगाना पड़ेगा। उस लोकेशन में जाकर पर्टिकुलर आप जिस लोकेशन में भी जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारी, जहाँ पर आपकी नज़र जाएगी वहाँ कंपनी कंपनी दिखाई देगी। तो आपको दो चार कंपनी में, पांच कंपनी में, 10 कंपनी में डेली विजिट करना है, रिज्यूम डालना है। अब हो सकता है आप एक हफ्ते आपको विजिट करने भी लग जाए अब आप शुरू में आते हैं। तो आप यदि फ्री में रहेंगे, जहाँ पर फ्री में रहने की व्यवस्था होती है, तो इसकी वजह से आपको कुछ पैसा बच जाएगा और आप भागने, और जब आप ट्रेवल करेंगे, भागेंगे, कंपनी कंपनी जाएंगे, तो आपको कंसल्टेंसी का चार्ज नहीं देना पड़ेगा और खुद से आप जॉब भी पा लेंगे। तो कंसल्टेंसी से बचने के लिए आप खुद से आपको सर्च करना है जॉब। और दोस्तों, फ्री में होटल में ना रहना पड़े इसके लिए आपको फ्री में रहने की व्यवस्था आपको ढूंढनी है। तो फ्री में रहने के लिए दोस्तों, PCMC एक बस स्टॉप है रेलवे स्टेशन के पास, ये आपको नेट में सर्च कर लेना है और यहाँ पर आपको आ जाना है। वैसे एक विनीत ब्लॉग नाम का एक चैनल है, पुणे की लोकेशन का ही है, आप वहाँ पे जाकर खुद पता कर सकते हैं। वो खुद बताया इसके बारे में, विजिट करके ही वो आया है लड़का, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर जो है तो PCMC बस स्टॉप के पास कैसे व्यवस्था है और किस तरह से लोग रह रहे हैं यहाँ पर, तो लोग साल साल से भी रह रहे हैं, लेकिन आपको साल भर नहीं रहना, आप खुद एक हफ्ते दो हफ्ते रहिए, अपना आप कहीं में अरेंज करिए और वहाँ उस लोकेशन में आपको रहना पड़ेगा क्योंकि आप जॉब करोगे। जैसे कि आप चाकर में जा सकते हो, सरी निगड़ी, फिर दोस्तों आपको बालाजी नगर, ऐसे कुछ मतलब एरिया है जहाँ पे कंपनियाँ देखने को मिलेंगी, तो आपको उसी एरिया में जाना पड़ेगा क्योंकि आपको सुबह भागना पड़ेगा ड्यूटी के लिए। 3 शिफ्ट में जैसे कंपनी चलेगी तो फिर आपको शिफ्ट वाइज आपको कंपनियों में भागना पड़ेगा कि आपकी जो भी शिफ्ट होगी, तो फिर आप इस जगह से भाग नहीं पाएंगे। और जब आप जॉब सर्च कर रहे होते हैं तो आपको मनमानी होता है कि आप कितने बजे जा रहे हो रिज्यूम ड्रॉप करने, तो आप तब तक रह सकते हो फ्री में। आप जब फ्री में रहोगे यहाँ पे, तो फिर आपको यहाँ पर हो सकता है कुछ चार्जेस हो, बट होटल के बराबर चार्जेस नहीं है। यहाँ पे 100% फ्री है, मेरे को भी नहीं लगता कि 100% फ्री होगा, क्योंकि 100% फ्री में मतलब वहाँ का मेंटेनेंस चार्जेस कौन देता होगा, वहाँ पे साफ सफाई का भी कुछ चार्जेस होते होंगे, तो कुछ चार्जेस तो लेगा, 10-20 रुपए डेली का किसी एक लड़के से तो लेगा ही लेगा। तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, जब आप 1000-2000 रुपए देने के लिए तैयार हो होटल में, तो आप 10-20 रुपए जरूर दे दोगे। तो वहाँ पर आप जाकर रुक लेना PCMC बस स्टॉप पास, ये नगर पालिका मतलब प्रोवाइड कराती है, नगर पालिका का ही ये सिस्टम, गवर्नमेंट के थ्रू आप यहाँ पर जो है सभी को रुकने की व्यवस्था दी जाती है। रात में, रात का रैन में सहरा इसको बोलते हैं, नाइट स्लेटर के नाम से भी इसको जाना जाता है। और 3 टोटल पुणे में है, पुणे लोकेशन में टोटल 3 हैं ऐसे लोकेशन जहाँ पर रुकने की व्यवस्था फ्री में है, ये उनमें से एक ही है। तो आपको आ जाना है PCMC बस स्टॉप, आपको सर्च कर लेना है और इसी लोकेशन में आपको आपके यहाँ पता करना है। और यदि विनीत ब्लॉग का चैनल है, वहाँ पर जाकर आप देखते हो, विजिट करते हो, तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में इसका लोकेशन कैसा, अंदर का कैसा हो, क्योंकि अंदर वो जहाँ जाकर विजिट किया बंदे ने, तो मैंने बस वही वीडियो देखा था, उसकी वजह से मैं सोचा कि मैं आप लोगों को अपने चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर दूँ। जो भी हमारे लोग जा रहे हैं, जो भी हमारी फैमिली जा रही है पुणे लोकेशन में जॉब सर्च करने के लिए, तो आप लोग भी सही तरीके से जॉब पा लो। वहाँ पर जाकर आपका बजट जो भी कम बजट है, तो कम बजट में भी आप अच्छी जॉब पा लो। तो आप जब जॉब मिल जाए तो आप उस लोकेशन में जा सकते हैं। आप थोड़ा सा बजट यदि कम है तो आप इसी लोकेशन से अप डाउन कर सकते हैं कुछ दिनों तक, और जब आपकी पेमेंट आ जाए तो फिर अपने हिसाब से आप जॉब
जब आ जाए और पेमेंट आ जाए तो फिर दोस्तों आप वहाँ पर अपने हिसाब से सेटल हो जाए। और कंसल्टेंसी का तो बिल्कुल यूज मत करिएगा, नहीं तो आपको तो पूरी रूप से चूस लेंगे, यानी कि बर्बाद ही कर देंगे, आपको घर ही आना पड़ेगा, क्योंकि पैसा जब रहेगा नहीं तो घर का भी रास्ता देखना पड़ेगा और दोस्तों फिर किराए के लिए भी लाने पड़ जाएंगे। इसलिए आपको कंसल्टेंसी यूज नहीं करना है शुरू में, खुद गेट जाकर पता करिए, एक महीने दो महीने अगर जैसा भी काम मिले आप करिए, वहाँ पे जो भी पैसा मिले आप पैसा लेकर फिर एक अच्छी जॉब सर्च करिए अपने लिए, अच्छी जगह रूम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा यार टाइम देना पड़ता है जब आप कहीं पर जाते हैं सेटल होने के लिए, तो आपको जाना है तो अच्छी जगह अपने लिए जॉब सर्च करना है। और कोई प्रॉब्लम होती तो हमें कमेंट करिए, मैसेज करिए, हमारे इंस्टाग्राम की आईडी है prakashpal087, यहाँ पर आपको 100% हेल्प मिल जाएगा। जो भी मुझे पता चलेगा, मैं रिसर्च करता रहता हूँ फ्रेंड्स अलग अलग लोकेशन पे, खासतौर पे मैं पूरे लोकेशन में भी काम करके आया हूँ SPM कंपनी में, और पीथमपुर मैंने 2-3 कंपनी में काम किया है, तो मुझे काफी एक्सपीरियंस है इन लोकेशन का। इसीलिए इन लोकेशन पे हमारे चैनल पे ज्यादातर आपको वीडियो मिलती रहती है, और इस टाइम भी मैं जॉब ही कर रहा हूँ तो वैसे मुझे ज्यादा टाइम होता नहीं है, मैं भी ड्यूटी में होता हूँ। जब भी मैं आपका कमेंट देखूंगा इंस्टाग्राम में, हमारे इंस्टाग्राम की आईडी prakashpal087, तो हम आपको 100% यहाँ पे रिस्पॉन्स कर देंगे। धन्यवाद चैनल विजिट करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।